तो आपकी आपकी पत्नी, आपकी पत्नी को पता कि अभी 3 दिन आप इसके पास रहकर गए हो? आप बबीता के घर में जाकर नहाए हो सुबह उठकर, आप 3 दिन इसके घर में ही पड़े हुए थे, बताया आपने अपनी पत्नी को? पत्नी तो हमारी खुद वीडियो कॉल पर बात किया है। ठीक है, अपनी पत्नी से आज मेरी बात करवाइएगा, है ना? अगर उसको पता कि आप 3 दिन शादी के तीन दिन पहले, 2 दिन अब आप इसके घर रहकर गए हो। नहीं, सुबह गए थे, रात में आए थे। बता दी तो भैया, बात करवा दीजिएगा, आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए अगर माँ मानते हो तो। नहीं, जो आप बोल रही 3 दिन वाली बात, 3 दिन की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। सुबह गए थे, रात में उसकी शादी हुई, अपनी गाड़ी से गए थे, शाम को आ गए। भाई कोर्ट में मामला है, जब तक चार्जशीट नहीं माता दाखिल होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें कोशिश कर ली गई है ना, लेकिन कोर्ट भी इसके ही एड्रेस पे बेल आउट दिया था। अच्छा, और बेल आउट में एक चीज बहुत गलत लिखी है ना, इसीलिए तो ये मजबूत है। हाँ। बेल आउट में लिखा हुआ है कि मैं सचिन के प्यार में इनके साथ घर बसाने आई हूँ और इन्हीं के साथ घर बसा के जीवन जीना चाहती हूँ, ये चीज बेल आउट में लिखी हुई है। अच्छा, जो इसको बेल मिली है उसमें जज ने ये बात लिखी है। नहीं, हमारे उसको बस यही बातचीत होती है, बाकी और कोई प्रूफ। अब मेरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैं इसके घर गया था तो पूरा व्हाट्सएप, पूरी गैलरी, पूरा सब फॉरवर्ड कर दिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं। जो इससे बातचीत होती थी वो भी कुछ नहीं है कि हम दो तीन लोगों से हमारी बात, मतलब दो तीन लोगों ने मुझे स्वयं संपर्क किया। अच्छा, लोगों को पता लगी कि हमारे, मतलब जैसे कि हम उन्हें कोई चीज बताते थे तो बिल्कुल हम कहते थे कि देखो हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं। हाँ। ना हवा में कोई तीर चलाते हैं। और आप लोगों का भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि कोई भी बात करिए तो फैक्ट्स पे करिए, मतलब जिसके आपके पास सबूत हो, जिसके एविडेंस आपके पास हो। ये थोड़ा नहीं कि अपना अपना चैनल चलाने के लिए बैठ जाओ, जो मर्जी को बोलते रहो। अब गवर्नमेंट उसका सपोर्ट कर रही होगी माता, और इस चीज को जो मेरठ वाली वकील साहब है। हाँ। उन्हें भी पता है। हम जब उनसे भी बात करते थे तो अपने घर में होते थे तो जैसे हमारी पत्नी किचन में कुछ बना रही होती तो हम उनसे बताते थे कि जो है मैडम, पत्नी जो है हमारी, वो हमारी पत्नी को भी पता है कि हम अमिता मलिक से बात कर रहा हूँ। अमिता मलिक को भी पता था कि घर में बात कर रहे हैं, पत्नी घर पे है, खाना बना रही है, बैठी है, तो उनको भी पता इस बात को। और उनको भी मैं ये बताता था कि आज जो है वीडियो कॉल पे बात किया सीमा से, हमारी पत्नी ने, बच्चे ने बात किया है। ये चीज उन्होंने कभी नहीं बताया कि हमारी पत्नी भी बात करती है। अगर उसको भेजना होगा तो गवर्नमेंट भेज देगी, रखना होगा तो रखेगी, सजा मिलना होगा तो सजा मिलेगी। उसमें हम आप केवल बैठ के एक दूसरे को खींचा तानी कर सकते हैं, एक दूसरे को बुराई ले सकते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी कर सकते हैं, एक दूसरे को बातें कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। सुबह पिछले 8 महीने से मैं यही तो देख रहा हूँ बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे। अपना समझ के अगर किसी को कोई बात बताइए तो लोग थोड़े से नंबर बढ़ाने के चक्कर में तुरंत जो है उनको लगेगा कि हमारा झंडा ऊंचा हो जाएगा। यस, तो इसमें क्या झंडा ऊंचा हो जाएगा आप बताइए माता। होता है अब आपको सत्य में देखो, ऐसे तो मेरे घर पे सभी लोग, हमारी वाइफ भी उससे वीडियो कॉल पे बहुत बार बात किया, हमारे बच्चे भी वीडियो कॉल पे बहुत बार बात किया, हमारे सभी रिलेटिव भी जानते हैं कि मैं उसकी मदद करता हूँ, जो मेरे ऑफिस में दफ्तर में लोग हैं वो भी जानते हैं, तो नहीं मैं जानते सभी रिलेटिव हमारे जानते हैं, घर के परिवार के लोग भी जानते हैं कि हम उसकी मदद करते हैं। वो तो चलो, वो तो बात की बात है ना, सबको पता कि तुम रात को आ गए, के 2 दिन रहकर आए, के क्या करके आए, है ना, वो सारी दुनिया को पता, वो छोड़ो। अगर आप नहीं थे तो आप अपनी पत्नी से मेरी बात कराना, बिटिया से पूछ लूंगी मैं कि मेरा भाई 3 दिन कहाँ था। इतना हमने इतने दिन में इतना ध्यान दिया है कि किसी पे कोई विश्वास नहीं करने वाला, अगर किसी को अपना माँ हूँ, माँ अपने बच्चों से मांग सकती है इस चीज, ठीक है ना, अधिकार है, अधिकार होता है माँ का। अब मुझे ये बताओ भैया, हमारी तुम क्या हेल्प कर रहे हो?
हमारी क्या हेल्प कर रहे हो आप? आपको क्या हेल्प चाहिए? ये जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? अब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। नहीं 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 नहीं, आपके पास ऐसे ऐसे सबूत पड़े हैं कि आप चाहो तो हमारी हेल्प कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। हमने उससे राखी बनवाई, बस उसको इतना ही वचन दिया था जब वो भूखे मर रही थी कि आपने हमको राखी बांधा है, हमारे देश में बहनों की बहुत इज्जत होती है, अगर आपके ऊपर कोई दुख मुसीबत हो तो हमें बताना, बस इतना ही मतलब है। आपकी पत्नी को पता कि अभी 3 दिन आप इसके पास रहकर गए हो, आप बबीता के घर में जाकर नहाए हो सुबह उठकर, आप 3 दिन इसके घर में ही पड़े हुए थे, बताया आपने अपनी पत्नी को? पत्नी तो हमारी पता है, वीडियो कॉल पे बात किया है। ठीक है, अपनी पत्नी से आज मेरी बात करवाइएगा, है ना? अगर उसको पता कि आप 3 दिन शादी के तीन दिन पहले, 2 दिन अब आप इसके घर रहकर गए हो। नहीं, सुबह गए थे, रात में आए थे। बता दी तो भैया, बात करवा दीजिएगा, आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए अगर माँ मानते हो तो। नहीं नहीं, जो आप बोल रही 3 दिन वाली बात, 3 दिन की तो कोई बात ही नहीं है। सुबह गए थे, रात में उसकी शादी हुई, अपनी गाड़ी से गए थे, शाम को आ गए। भाई कोर्ट में मामला है, जब तक चार्जशीट नहीं माता दाखिल होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें कोशिश कर ली गई है ना, क्योंकि कोर्ट भी इसके ही एड्रेस पे बेलआउट दिया था। अच्छा, और बेलआउट में एक चीज बहुत गलत लिखी है ना, इसीलिए तो ये मजबूत है। हाँ। बेलआउट में लिखा हुआ है कि मैं सचिन के प्यार में इनके साथ घर बसाने आई हूँ और इन्हीं के साथ घर बसा के जीवन जीना चाहती हूँ, ये चीज बेलआउट में लिखी हुई है। अच्छा, जो इसको बेल मिली है उसमें जज ने ये बात लिखी है। नहीं, हमारे उसको बस यही बातचीत होती है, बाकी और कोई प्रूफ। अब मेरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं इसके घर गया था तो पूरा व्हाट्सएप, पूरी गैलरी, पूरा सब फॉरवर्ड कर दिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं, जो इससे बातचीत होती थी वो भी कुछ नहीं है। कि हम दो तीन लोगों से हमारी बात, मतलब दो तीन लोगों ने मुझे स्वयं संपर्क किया। अच्छा, लोगों को पता लगी कि हमारे, मतलब जैसे कि हम उन्हें कोई चीज बताते थे तो बिल्कुल हम कहते थे कि देखो हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं। हाँ। ना हवा में कोई तीर चलाते हैं। हाँ। और आप लोगों का भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि कोई भी बात करिए तो फैक्ट्स पे करिए, मतलब हाँ। जिसके आपके पास सबूत हो। हाँ। जिसके एविडेंस आपके पास हो। हाँ। ये थोड़ा नहीं कि अपना अपना चैनल चलाने के लिए बैठ जाओ, जो मर्जी को बोलते रहो। अब गवर्नमेंट उसका सपोर्ट कर रही होगी माता, और इस चीज को जो मेरठ वाली वकील साहब हैं। हाँ। उन्हें भी पता हम जब उनसे भी बात करते थे तो अपने घर में होते थे, तो जैसे हमारी पत्नी किचन में कुछ बना रही होती तो हम उनसे बताते थे कि जो है मैडम, पत्नी जो है हमारी, वो बता, वो उस हमारी पत्नी को भी पता है कि हम अमिता मलिक से बात कर रहा हूँ। हाँ। अमिता मलिक को भी पता था कि घर में बात कर रहे हैं, पत्नी घर पे है, खाना बना रही है, बैठी है, उनको भी पता इस बात को। और उनको भी मैं ये बताता था कि आज जो है वीडियो कॉल पे बात किया सीमा से, हमारी पत्नी ने, बच्चे ने बात किया है। ये चीज उन्होंने कभी नहीं बताया कि हमारी पत्नी भी बात करती है। अगर उसको भेजना होगा तो गवर्नमेंट भेज देगी, रखना होगा तो रखेगी, सजा मिलना होगा तो सजा मिलेगी। उसमें हम आप केवल बैठ के एक दूसरे को खींचा तानी कर सकते हैं, एक दूसरे को बुराई ले सकते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी कर सकते हैं, एक दूसरे को बातें कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। सुबह पिछले 8 महीने से मैं यही तो देख रहा हूँ बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे। अपना समझ के अगर किसी को कोई बात बताइए तो लोग थोड़े से नंबर बढ़ाने के चक्कर में तुरंत जो है उनको लगेगा कि हमारा झंडा ऊंचा हो जाएगा। क्या झंडा ऊंचा हो जाएगा आप बताइए माता। होता है, अब आप कुछ सत्य में देखो, ऐसे तो मेरे घर पे सभी लोग, हमारी वाइफ भी उससे वीडियो कॉल पे बहुत बार बात किया, हमारे बच्चे भी वीडियो कॉल पे बहुत बार बात किया, हमारे सभी रिलेटिव भी जानते हैं कि मैं उसकी मदद करता हूँ, जो मेरे ऑफिस में दफ्तर में लोग हैं वो भी जानते हैं, सभी रिलेटिव हमारे जानते हैं, घर के परिवार के लोग भी जानते हैं कि हम उसकी मदद करते हैं।
वो तो चलो वो तो बात की बात है ना, सबको पता कि तुम रात को आ गए, कि दो दिन रहकर आए, कि क्या करके आए, है ना, वो सारी दुनिया को पता, वो छोड़ो। अगर आप नहीं थे तो आप अपनी पत्नी से मेरी बात कराना, बिटिया से पूछ लूंगी मैं कि मेरा भाई 3 दिन कहाँ था। इतना हमने इतने दिन में इतना ध्यान दिया है कि किसी पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। अगर किसी को अपना माँ हूँ, माँ अपने बच्चों से मांग सकती है इस चीज, ठीक है ना, अधिकार है, अधिकार होता है माँ का। अब मुझे ये बताओ भैया, हमारी तुम क्या हेल्प कर रहे हो है? हमारी क्या हेल्प कर रहे हो आप? आपको क्या हेल्प चाहिए? ये जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? अब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। नहीं 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 नहीं, आपके पास ऐसे ऐसे सबूत पड़े हैं कि आप चाहो तो हमारी हेल्प कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। हमने उससे राखी बंधवाई, बस उसको इतना ही वचन दिया था जब वो भूखी मर रही थी कि आपने हमको राखी बांधा है। हमारे देश में बहनों की बहुत इज्जत होती है, अगर आपके ऊपर कोई दुख मुसीबत हो तो हमें बताना, बस इतना ही मतलब है।